नमस्कार, आज फिर से आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ। और इस क्वेश्चन में मैं बात कर रहे हैं, कोयला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अजैव संसाधन। मुझे पता है इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा, पर यहाँ पर भी बच्चे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण वो क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। सर्वव्यापी संसाधन का कोयला किसका उदाहरण, बहुत ध्यान सुनिएगा, सर्वव्यापी संसाधन का, जैव संसाधन का या फिर नवीकरण संसाधन का। एक यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, नवीकरण। इसका मतलब मैं आपको बता दूँ, वैसे उपकरण या फिर वैसे संसाधन जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, ठीक है, दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है, वो क्या होते हैं, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे बिजली होती है, दोबारा से उसको बनाया जा सकता है, नहीं बात समझे ना? तो हम कोयला कैसा है, क्या वो नवीकरण संसाधन है, इसको दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। जैव संसाधन है, क्या ये जैव संसाधन आपको लगता है कोयला जैव संसाधन है? क्या ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि जैव इसमें क्रिया कर रहे हैं जिसके कारण वो बन रहा है, सर्वव्यापी संसाधन है या फिर अजैव संसाधन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर एक होगा, जो कोयला होता है वो अजैव संसाधन होता है, ठीक है, उसमें जैविक काम नहीं करते हैं। ये बहुत करोड़ों साल पहले की प्रक्रिया है जिसके कारण कोयला बना हुआ है, इसलिए यदि कोयला खत्म हो जाएगा तो दोबारा बनने का एक बहुत लंबा प्रोसीजर उसका होता है और शायद बने बिना, ठीक है, इसलिए इसको अजैव संसाधन बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये। थैंक यू सो मच।